ये कहानी है पॉल की, जो एक ट्रक ड्राइवर है जिसे मिट्टी के 6 फीट अंदर दफनाया गया है, जिसके पास है 90 मिनट्स का ऑक्सीजन और कुछ सिलेक्टिव चीज़ें। वो इस मुश्किल सिचुएशन में खुद को कैसे संभालता है, क्या आखिरकार वो बाहर निकल पाता है। तो मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं पॉल को, जो खुद को बंधा हुआ पाता है। अंधेरा इतना होता है कि उसे समझ नहीं आता कि वो है कहाँ पे। ढूंढने से उसे एक लाइटर मिलता है, जिसे वह जलाता है और पाता है कि वो एक वुडन कॉफिन के अंदर है। बहुत मुश्किलों से वह रस्सी को खोल पाता है, पर उसे ये समझ नहीं आता कि वो आखिर यहाँ पर आया कैसे। फिर ध्यान से सोचने में उसे याद आता है कि उस पे और उसके कोवर्कर्स में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। कई सारे दोस्तों को उसके सामने ही मार दिया गया था। उसे एक पत्थर लगा था जिसके कारण वह बेहोश हो गया था, और अभी वो इस कॉफिन में बंद है। कॉफिन में उसे एक फ़ोन मिलता है। वो फ़ोन को उठाता है, पर देखता है कि वो तो उर्दू लैंग्वेज में है। वो किसी तरह से मैनेज करता है और अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन वो कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता और वो एक मैसेज ड्रॉप कर देता है। फिर उसे याद आता है कि उसे यहाँ इराक में एक फ़ोन नंबर दिया गया था कि कभी भी मुश्किल पड़ने पर वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है। वो उस नंबर पर कॉल ट्राई करता है, पर उसे वहाँ पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसके बाद वह फिर FBI को कॉल ट्राई करता है, पर इससे पहले कि वह उन्हें कुछ बता पाता, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन वह उनकी बातों से समझ पाता है कि वो किडनैप हो चुका है। वो सोच ही रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, तभी उस मोबाइल पर एक कॉल आता है। वो उसी किडनैपर का कॉल होता है जिसे उसने यहाँ पर बंदी बना रखा है। वो डिमांड करता है कि उसे $5 मिलियन देना पड़ेगा 9 बजे से पहले, और अगर उसे ये अमाउंट नहीं मिले तो वो पॉल को यहीं पर छोड़ देगा मरने के लिए। पॉल इस बात से काफ़ी ज़्यादा डर गया था। वह सोचने लगता है कि उसके पास तो ये अमाउंट है नहीं, तो वो देगा कैसे, और इस कॉफिन में इतना ऑक्सीजन भी नहीं है कि वो 9 बजे तक यहाँ पर ज़िंदा रह सके। और उसे ये भी नहीं पता अगर वो उन्हें अमाउंट दे देगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। फिर इसके बाद वह स्टेट डिपार्टमेंट को कॉल करता है। वह बोलते हैं कि वह कोई भी अमाउंट नहीं दे पाएंगे, पर जितना उनसे हो पाएगा वह उसके लिए करेंगे। फिर वो लोग पॉल का केस एक दूसरे ग्रुप को सौंप देते हैं, जो ग्रुप बनाया गया था स्पेशली किडनैपिंग केस रिजॉल्व करने के लिए। वहाँ पर पॉल का कॉन्टैक्ट एक प्रेमर नाम के व्यक्ति से होता है, जो पॉल को किसी भी तरह से सेव करने का प्रॉमिस करता है। फिर दोबारा किडनैपर कॉल करता है पॉल को। वह बोलता है कि रैनसम अमाउंट मांगते हुए वह अपना वीडियो बनाए, और अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी कलीग पैमेला को मार दिया जाएगा। पैमेला को गन पॉइंट में लेकर वह किडनैपर एक वीडियो बनाता है और उसे पॉल को भेजता है। इस वीडियो को देख के पॉल बहुत ज़्यादा डर जाता है, और मजबूरी में वह रैनसम अमाउंट मांगते हुए अपनी वीडियो बनाता है। उसको अपने पैर के पास एक सांप दिखाई देता है, जिसे देख के वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, पर वह आग जलाकर वहाँ पर उसे भगा देता है। वो खुद को संभाल ही रहा होता है, तभी उसके मोबाइल पर एक वीडियो मैसेज पॉपअप होता है। वो देखता है कि ये वीडियो मैसेज किडनैपर ने भेजा है, उसने पेमला को मार दिया है। वह इस बात से और ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसकी वीडियो बनाने के बावजूद भी उसने उसकी दोस्त पेमला को मार दिया, तो उसे लगने लगता है कि अगर वह उसे रैनसम अमाउंट दे दे तब भी वह उसे यहाँ से नहीं जाने देगा। फिर वो ब्रेनर से बात करता है। वह उसे बोलता है कि उसे एश्योरेंस चाहिए कि वो वहाँ से उसे निकाल लेंगे, और वह उससे पूछता है कि ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिसको तुमने यहाँ से रेस्क्यू किया हो। ब्रेनर बताता है मार्क, उसने 3 हफ्ते पहले ही उसे रेस्क्यू किया था। फिर अचानक से वह कॉफिन बहुत तेजी से हिलने लगता है, जैसे मानो भूकंप आ रहा हो, और ऊपरी हिस्सा टूट जाने की वजह से बहुत ज़्यादा रेत वहाँ पर अंदर आ रही है। वो समझ जाता है कि बाहर बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है। उसे लगने लगता है कि यही उसका आज आखिरी दिन है। उसको पता चलता है आज ही सुबह उसे काम से निकाल दिया गया है, तो वह सोचने लगता है कि उसके मरने के बाद उसकी फैमिली को कोई भी इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलने वाला। और फिर अचानक से उसे ऐसे लगने लगा कि कॉफिन को ऊपर से कोई खोद रहा है। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसे लगने लगा कि आखिर वह बच सकता है, कि वो फिर से अपनी फैमिली से मिल सकता है। आवाज़ और भी ज़्यादा होने लगा और इस कॉफिन को कोई खोला। फिर एकदम से सब कुछ शांत हो गया। ये सिर्फ उसका एक वहम होता है। किसी ने भी उसका कॉफिन नहीं खोला था। उसे अभी बचने का कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा, और ये कॉफिन भी आधा रेत से भर चुका है, और ऑक्सीजन भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और शायद ऑक्सीजन की कमी से ही उसे ऐसे वहम आ रहे हैं। ब्रेनर का उसे कॉल आता है। वह बोलता है कि शायद इस बॉम्ब ब्लास्ट में किडनैपर मर चुका है। लेकिन कुछ देर बाद किडनैपर का कॉल आता है। वो और भी ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि इस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से उसकी पूरी फैमिली ख़त्म हो चुकी थी। फिर किडनैपर पॉल से कहता है कि अपना उंगली काटो और एक वीडियो बनाओ, और उसका ऐसा ना करने में उसकी फैमिली को मार दिया जाएगा। और वो बोलता है कि उसका ऐसे वीडियो बनाने में सिर्फ उसकी फैमिली ही सेफ नहीं होगी, वो गवर्नमेंट को बता देगा कि उसने पॉल को कहाँ दफनाया है। पॉल को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता, और वह सोचने लगता है कि उसे ये रिस्क लेना ही होगा। कॉफिन भी आधा रेत से भर चुका है और ऑक्सीजन भी ख़त्म होने वाला है।
पॉल के पास जो नाइफ होता है वह उसे अपनी उंगली काटता है और उसकी एक वीडियो बनाता है और उस किडनैपर को भेज देता है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है लेकिन वह दर्द सहन कर लेता है इस उम्मीद से कि शायद उसकी फैमिली बच जाए। तभी ब्रेनर का कॉल आता है पॉल को, वह उसे बोलता है कि हमें लोकेशन मिल चुका है और हम जल्दी वहाँ पर आने वाले हैं। ब्रेनर और उसके साथी पहुँच जाते हैं उसी कब्रिस्तान में और उसी कफिन के ऊपर खोदना शुरू करते हैं। पॉल को रिलीफ मिलता है कि अब बस कुछ देर की बात और है, लेकिन पॉल कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि फ़ोन में तो खोदने की आवाज़ आ रही होती है पर रियलिटी में उसे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती है। पॉल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कॉफिन भी आधा रेत से भर चुका होता है। वह ब्रेनर से बार बार कहता है कि जल्दी करो जल्दी करो। ब्रेनर भी दूसरी ओर पूरी कोशिश कर रहा होता है। वह जल्दी जल्दी खोदते हैं और वो उन्हें मिल जाता है। जब वह कॉफिन को बाहर निकालते हैं तो वो देखते हैं कि इसमें तो मार्क वाइट है, उसका डेड बॉडी है, लेकिन यहाँ तो पॉल है ही नहीं। और पॉल मारा गया उसे सही समय पे वह लोग कॉफिन से बाहर नहीं निकाल पाए। उनकी इतनी कोशिश करने के बावजूद भी पॉल मारा गया। और यहाँ पर हमें पता चला कि ब्रेनर ने भी पॉल से झूठ कहा था मार्क के बारे में, उसने तो बस उसे एक होप देने की कोशिश की थी। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।